तो कोरोना वायरस के चलते दक्षिण भारत से प्रतापगढ़ पहुंचे लोगों की चिकित्सा विभाग की टीम ने स्क्रीनिंग की। आपको बता दें कि कर्नाटक से करीब 2000 से अधिक लोगों को 60 से 70 बसों में लाया गया, जिनकी स्क्रीनिंग की गई। साथ ही जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से यात्रियों के लिए खाने पीने का प्रबंध भी किया गया। कर्नाटक सरकार की ओर से लाए गए लोगों में मेडिकल स्टाफ और भोजन व्यवस्था भी की गई है। साथ ही एक जिम्मेदार अधिकारी को रखा गया है ताकि रास्ते में किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े।